उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवाया के भटियूरा बहलोलपुर में तहरी खाने और दूध पीने से एक दर्जन से अधिक बच्चे हुए बीमार। प्राथमिक भटियूरा विद्यालय बहलोलपुर में बच्चों को पिलाया गया था दूध और खिलाई गई थी तहरी। तहसीलदार वबियो ने अस्पताल पहुंचकर दिए उचित इलाज के निर्देश। जरा आप भी गौर करें कि जब हमारे आपके बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो परिवार में हड़कंप मच जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा गांव बहलोलपुर में भी हुआ, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा विभाग की कारगुजारी देखे तो साफ जाहिर होता है कि विभाग को जानकारी मिलने के बाद भी महकमा अनजान बना रहा। कारण था उसमें किसी अधिकारी या किसी बड़े आदमी के बच्चे नहीं थे तो सोचा कि खुद ही इलाज करा लेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे अस्पताल पहुंचे और मीडिया को जानकारी मिली तो अधिकारियों के भी फोन बजे। फिर एक करके अधिकारियों ने अस्पताल की दौड़ शुरू की। भल हो भगवान रूपी डॉक्टर का जिन्होंने तत्काल इलाज करके बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ने से रोक ली। शिक्षा विभाग ने कैसे की लापरवाही। टाइमलाइन -11:00 दोपहर प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर में बच्चों को तहरी का वितरण किया गया। -11:10 दोपहर बच्चों को दूध पिला दिया गया। -1:00 दोपहर विद्यालय में छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। -2:30 से एक एक करके बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और ग्रामीणों में हड़कंप मचने लगा। -4:11 प्रधान शिवराज सिंह के पुत्र जसपाल सिंह ने मामले की जानकारी शिक्षिका को फोन कर दी, लेकिन शिक्षिका ने मामले को हल्के में लिया और तुरंत ही उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत नहीं कराया। -4:50 शाम बच्चे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने आनन फानन में इलाज शुरू कर दिया। -6:14 शाम मामला बढ़ता देख शिक्षिका ने मामले की सूचना बीओ को दी। तहरी खाई थी और दूध पिया था तभी मेरी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आने लगे थे, फिर उल्टी आने लगी। क्या खाया था? स्कूल में खाए तभी से उल्टी आ रही। हाँ, तब से शुरू कर दे, घर में कुछ खाना नहीं खाए। तहरी खाई थी, फिर दूध पिया था, फिर खेल रहे थे, फिर खेल रहे थे, फिर छुट्टी हो गई, फिर घर चले गए, फिर तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ आपको तबीयत? घूम नहीं आ रही थी सर। उल्टी और उनके पेट दर्द की शिकायत है, प्रथम दृष्टया ये फूड प्वाइजनिंग की समस्या है, तो ये अब ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या क्या खिलाया गया था और उस पर क्या संभावना हो सकती है, ये जांच के उपरांत फिर तय किया जाएगा। जांच के उपरांत यदि समझ में आता है तो कार्रवाई होती है। लंच में मैंने खाना खाया और दूध पिया और फिर खेलते रहे और फिर छुट्टी हो गई, फिर घर में घूमने आने लगे, फिर तबीयत खराब हो गई, उल्टी आने लगी।